अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SM पावर पॉइंट और मैं हूँ सदागत महमूद। नौशहर अफरोज़ मेहरापुर में नामालूम अफराद 43 लाख मालियत की गाड़ी लेकर फरार हो गए। रिपोर्ट देखते हैं राणा नदीम अंजम की। लालदीन घुमर साहब सियासी उस्तादी रहन में है, यहाँ शहर के सीनियर सहाफी भी है मेहरापुर के। सुना आ रहा था आपकी गाड़ी चली गई, कौन सी गाड़ी थी, कितनी मालियत है और कैसे वाकया पेश आया है? जी, मेरी होंडा VRV गाड़ी थी और इसकी तकरीबन 45 लाख रुपए मालियत है। तो मैं अपने ये डॉक्टर नेमतुल्लाह वाली गली के पास ही रोज रात को पार्क कर दिया करता हूँ। तो सुबह जब मैं उठा 8 बजे, तो मैं जाता हूँ सुबह सुबह सब्जी वगैरह लेने और थोड़ा वाक पे जाता हूँ, तो मैंने देखा तो मेरी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी। मैंने ट्रैकर वालों को फ़ोन किया, पता लगा कि जी ट्रैकर भी जैम मतलब किया हुआ है और ट्रैकर भी ऑफ है, उसकी लास्ट लोकेशन भी नहीं आ रही, तो गाड़ी चोरी हो गई है। के लिए अभी पुलिस को मैंने नहीं बताया। पहले मैं ये समझा शायद बच्चों में से कोई लेके गया हो या मेरा मैनेजर लेके गया हो कहीं पे गाड़ी, तो पता लगा कि जी वो तो गाड़ी मतलब किसी के पास नहीं है। बच्चे भी घर पे सोए हुए थे, मेरा बेटा भी घर पे सोया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता, ना ही हम कहीं पे गए हैं और गाड़ी यहीं पर गली में खड़ी थी। तो बाद में पता लगा कि चाबी चोरी करके या ट्रैकर जाम करके इस तरीके से जो है ना वो गाड़ी चोरी हो गई है। ठीक है सर, गाड़ी का क्या नंबर था आपका और उसमें मजीद का सामान जो आपका कीमती सामान है वो कौन कौन सा उसमें मौजूद था? जी मेरा उसमें एक पाउच था और डैशबोर्ड में पड़ा था गाड़ी के ओरिजिनल जो बुक है उसका पेज था, रनिंग पेज था। एक और गाड़ी मेरी है उसकी एक बुक थी क्राउन की, टोयोटा क्राउन की, वो क्वेटा के रजिस्टर्ड है। और दूसरा उसमें कोई मेरे ख्याल में 11 पड़े थे, 15,000 7,500 रुपये वाले प्राइस बाउंड थे। एक अरमानी की घड़ी थी उसमें जिसकी मालियत कोई 70,000 रुपये है। और एक पाउच में मेरे कोई 6 या 7 चेक बुक्स थी, 6 होंगी, हाँ मेरे ख्याल में 6 चेक बुक्स थी, अलबीब की, अल्फला की और मुख्तलिफ बैंकों की, और कंपनी की मेरी स्टैम्प्स और लेटर पैड ये, और एक PEC की मेरी प्रोफाइल थी, कंपनी की प्रोफाइल थी, वो भी मेरी गाड़ी में वहीं पर पड़ी थी। बाकी मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें थी, तो क्योंकि मैं कराची से रिसेंटली आया था और वहाँ पे मतलब सारी चीज़ें, मेरा सामान उसी में मौजूद था, तो मुझे कल टाइम नहीं मिला कि सारी चीज़ें मैं घर पर रख सकूँ, तो ये चीज़ें मेरी कीमती चीज़ें जो है। ठीक है,